हेलो दोस्तों, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल बालों से रिलेटेड सभी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही है, फिर वो बालों का झड़ना हो, स्प्लिट एंड्स हो, सफ़ेद बाल हो या फिर डैंड्रफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा हेयर ऑयल बनाएंगे जो कि इन सभी समस्याओं के ऊपर रामबाण इलाज है और साथ ही में नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक तो सभी को इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पल्लवीज किचन के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक पतीले में 2 कप नारियल का तेल लेंगे। तेल के अच्छे गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 20 से 25 फ्रेश कड़ी पत्ते। इन पत्तों को तेल में अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, पत्ते हमारे अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने। मेथी के दानों के अच्छा पक जाने पर इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। इसी में 4 से 5 लहसुन भी डाल देंगे। हमने यहाँ लहसुन को कट करके डाला है, आप चाहे तो पूरी की पूरी लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को थोड़ा पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल और साथ ही में 2 बड़े चम्मच बादाम का तेल। ये दोनों तेल आपको किसी भी किराने स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो पे रख के 5 मिनट हम इसे पका लेंगे। तेल हमारा बनकर एकदम तैयार है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तेल अभी बहुत गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। तेल ठंडा हो चुका है और अब हम छलनी की मदद से इसे छान लेंगे। ये तेल आप बॉटल में भरकर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को 3 बार हफ्ते में 3 महीने तक कंटिन्यूसली लगाने से आप देखिए कैसे आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।